गोंदिया जिले में खरीफ सीजन के दौरान जिला विपणन संघ के 24,71,000 क्विंटल अनाज की खरीदी की गई थी, लेकिन ये अनाज अभी भी फेडरेशन के खरीद केंद्र पर पड़ा हुआ है। राइस मिलर की समस्या को सुलझाने में सरकार की नाकामी के कारण गोदाम में बड़ी मात्रा में धान पड़ा हुआ है। सरकार ने अब इस संबंध में जिलाधिकारी को कार्यवाही करने का निर्देश दिया है और राइस मिल के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। इसी के तहत कलेक्टर ने 32 राइस मिलर्स को नोटिस जारी किया है। किसानों द्वारा जिला विपणन संघ केंद्र पर धान बेचने के बाद धान को मिलिंग के लिए राइस मिलर के पास भेजा जाता है। हालांकि गोंदिया जिले में चावल मिल द्वारा अभी तक धान नहीं उठाए जाने के कारण धान बेस स्टेशन पर पड़ा हुआ है। गोंदिया जिले में 280 चावल मिले पंजीकृत है, इनमें से 32 चावल मिलों ने जिला विपणन संघ के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अब शासन से कलेक्टर को पत्र मिला है और कलेक्टर ने इन 32 राइस मिलर्स को नोटिस देकर 4 दिन के अंदर बैंक गारंटी राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं और राशि जमा करने के बाद धान उठाने के निर्देश दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राइस मिल इस संबंध में क्या निर्णय लेता है। खरीफ हंगामामध्ये गोंदिया जिल्ह्यामध्ये 24,71,000 क्विंटल खरेदी करण्यात आलेली होती, मात्र राईस मिलर यांच्या संपामुळे त्याबाबत भरडई प्रक्रिया अद्यापपर्यंत रखडलेली आहे। याबाबत शासनाचे पत्र प्राप्त झालेले असून माननीय जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राईस मिलर यांना नोटीस देण्यात आलेली असून 2 ते 4 दिवसामध्ये करार केलेल्या संस्थांनी मिलरनी या ठिकाणी मिलिंगसाठी बँक गॅरंटी सादर करण्याबाबत त्यांना कळवण्यात आलेलं आहे। तसे न केल्यास संबंधित राईस मिलर्सला काळ्या यादीत टाकून त्यांची दिलेली EMD जप्त करण्याबाबत पत्रात नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे। एकूण नोंदणीकृत निविदाधारक राईस मिल या 280 होत्या, त्यापैकी 32 राईस मिलर्सनी या कार्यालयाबरोबर करारनामे केलेले होते, त्या 32 राईस मिलर्सला नोटीस देण्यात आलेली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।